उस तरह में अगर ज्यादा स्नान करो तो कुछ की हो जाता है कुछ हो जाता और बिना पता चले नारद को भगवान कृष्ण वहां जाएंगे कह दिया और नारद जैसे ही प्यास लगी उस जला पर डूब गए स्त्री हो गए और स्त्री होते साथ ही वहां से एक महाराज एक अच्छे महाराजा जा रहे थे मेरे नाम याद नहीं आए महाराज जा रहे थे उसने कहा अरे ये तो बहुत अच्छे से लोग बैटिंग मारो आप वो नारद नारद स्त्री हो गए ये राजा उसके पीछे नारद के पीछे जाके बोले मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ नारद स्त्री हो गया था ये मेरे पीछे बड़ा मेरे पीछे और मैंने स्त्री हुई मेरे से शादी करना चाहता अरे नहीं मैं शादी नहीं करता बोले तू पूछो कुछ चाहता कर मैं तैयार हूँ शादी करने आखिर नारद को राजा होने के कारण शादी करनी हुई और तब से हम 100 वर्ष के पैदा हो आपने
और वो जब तक अपने को ज्ञान नहीं आता, समर्पण को नहीं आता, तब तक हम इस संसार में आगे पीछे करते ही रहते हैं, बस पाप और पुण्य से डरते ही रहते हैं। हमारे मन में होता है इसको जगने के लिए क्या होता है, केवल तुम्हारे जीवन में एक समर्पण है, अपने गुरु के एक गुरु की निंदा ना करें, गुरु को हृदय बनाए, गुरु के प्रति हम जो भी है तुम्हारे जन्म में क्या दे सकता हूँ ये बात कभी भी अपने जन्म में ले जाए, मैं गुरु को क्या कर सकता हूँ। एक बार एक वर्ष तक की बात है क्योंकि गुरु के पास कुछ कमी दे सकता है, सब कुछ फाड़ दे सकता है। यदि गुरु सिखाता है कि तू मेरे प्रति समर्पित नहीं है, जो बच्चे अपने पति के प्रति समर्पित है उसको कभी शत्रु नहीं देते हैं, जो माँ बाप बेटा माँ बाप के प्रति समर्पित है उसके माँ बाप उसे कुछ शत्रु देने के लिए है, इसलिए शिष्य जब समर्पित है गुरु के प्रति तो कुछ शत्रु देने के लिए तेरे को श्रोक सही अच्छा सब कुछ बुरा सब कुछ देने के लिए है, लेकिन जब उसके प्रति समर्पित है तो अगर उसके पीछे उसके प्रति गलत विचार रखता है तो तुझे गुरु जानता है तो अगर बीमार है गुनाह हो रहा है तो चाहता है कि किस प्रकार अच्छा है, और तू तेरे तेरे पति से प्रकारित है, तेरे पति से प्रकारित है, माँ बाप से बेटा प्रकारित है, तो गुरु चाहता है कि तू किस तरह उसका होता है, क्यों अच्छा होता है इसके जीवन में। एक वृक्ष है आप देखते हैं, एक वृक्ष को खाता हुए एक फूल धवा खा जाता है, एक फूल कीड़ा खा जाता है, एक फूल स्मशान के शव पर चढ़ता है, एक फूल जाकर भेदभाव पर चढ़ता है, उसी झटका हुआ है। हम ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है कि उस फूल पर जो फूल जिसके ऊपर सूर्य की किरण पड़े जिसके ऊपर भ्रम हुआ वो बल्ब हो और जिसके ऊपर पीड़ा था वो काम उसका काम खत्म हो गया, ऐसा क्यों होता है। एक ही वृक्ष के ऊपर फूल ऐसे क्यों किए प्रयोग पर होते हैं तो गुरु को एक ही जरूर करते हैं, प्रयोग होते हैं तो फ्रंट के नीचे ले जाते हैं, प्रयोग होते हैं तो ग्रीन होते हैं, प्रयोग तो इस प्रकार हमारे जीवन में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर उसका मालिक ठीक हो तो अच्छे प्रभाव की बात तोड़ लेकर अपने गुरु चरणों में अच्छे कामों के लिए समर्पित करता है, फूल हो फल हो या फिर वैसा अपना बारे में गुरु समझते हो तो तुम्हें वो अच्छे ही चरणों में स्थान समर्पित करेगा, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा, न तुम्हें कोई झूठे नहीं देगा, न तुम्हें भीड़ पर तुम्हें चढ़ने नहीं देगा। तो एक बार अपने आप को समर्पित करके देखो कि गुरु की चाह को गुरु तो चाहते ही नहीं कुछ कुछ, लेकिन चाह है तो समझो तुम्हारा खाते है कि जैसा सुदामा से सुदामा को कृष्ण चाहता कि तेरे पोहे ले सिर्फ कृष्ण ने चाह कर दी और सुदामा वो चाह भी नहीं था और सुदामा ने वो पोहे चाहता है ये तो चाह भी चाहता है ये और सुदामा संस्कार का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति में आज तुम्हें मैत्र का संस्कार भक्ति मिली है। एक बार समर्पण तुम्हारे तुम्हारे गुरु को देकर तुम्हारा शरीर तो जल जाए मारा आज रहेगा कल नहीं रहेगा कितने लोग आए कितने लोग चले गए जो हुआ बीमार हुआ कुछ भी हुआ गुरु और तुमसे जब चाहता है तुम दे सको तुम भाग्यवान गुरु चाहे तुम्हारे से कुछ चाहे और तुम दे सके तुम्हारा भाग्यवान आपको परंपरा के अनुसार थोड़ा सा मिठाई पैक करके आपको सभी को नए साल के इस वर्ष में आपको मिठाई खिलाई जाएगी और नौ वर्ष को नौ वर्ष के आग्रह का दीप चरण मतलब सुनाएगी।